भगोरी गांव घुमाऊंगा, उसके बाद जहां फिल्म हुई थी वहां घुमाऊंगा। कौन सी फिल्म हुई थी? राम तेरी गंगा मेली। आज हमारे रावत जी आज हमको अपना गांव घुमाएंगे और जहां पे ये फिल्म की शूटिंग हुई थी राम तेरी गंगा मेली की, वो सारी जगह घुमाएंगे और आज पे गाना भी हमको सुनाएंगे। हाँ जी, ठीक है ना, याद है ना गाना? हाँ, आज ही हमको गाना भी सुनाएंगे। आइए हम चलते हैं। बगीचे में जा रहे हैं। बगीचे में भी इसमें क्या करेंगे? इसमें सेब संभाल रहे हम, जो नीचे जड़ा जुड़ाने। अच्छा अच्छा, वो जड़ा वाला सेब जो नीचे मैंने देखा। हाँ। गिरा हुआ था, उस सेब का क्या करते हैं आप? उस सेब का अच्छा अच्छा तो बेचते खाते, जो थोड़ा वो नहीं रहते बेकार, उसको काटते अच्छे से सुखाते, तब उसको बाद में काम आते खाते। ये आप लोगों का घर है, आप लोग ऐसे ही रहते हैं? अच्छा, ठंडक में क्या करते हैं? सर्दी में तो हम लोग नीचे चले जाते हैं ढूंढा। किस महीने से जाते हैं नीचे? ये अगले महीने से स्टार्ट हो जाता है। अगले महीने से नीचे जाने लगेंगे। और कब यहाँ आते हैं? हम लोग आ जाते हैं अप्रैल में। अच्छा लगता है यहाँ पे रहना? बहुत अच्छा है ना? अच्छा, ये सब पुराने घर है ना? कोई रहता नहीं ना? इसमें कोई रहता नहीं, ये ताले बंद है ना? नहीं। अच्छा, बहुतों का है ना? अच्छा, उधर लोगों का गोदाम बना रखा है कोई। लो ना, ये देखो इधर पे हो रही ऊन कटाई। अच्छा अच्छा, मैं सूट पहना हूँ, अंदर आ सकता हूँ? अच्छा, अच्छा मैं भी थोड़ा सा करके देख लूँ। नहीं ऐसे ही बैठो। अच्छा, इसी को बैठ गए। अच्छा, कैस्टिंग में बैठो। ऐसे ना? अच्छा, किस चीज के बाल है? भेड़ के बाल है। अच्छा, इसके आप क्या क्या बनाते हैं? ये टोपी, दस्ताना। अच्छा, ये मार्केट में भी ले जाते हैं? अच्छा, स्वेटर है यहाँ। अच्छा, ये यहाँ का मफलर है? अच्छा, ऊनी के। ये टोपी। अच्छा, ये टोपी। ये दस्ताने कितने का होगा आपका? ये 100 रुपये। ये 100 रुपये का दस्ताना है। और ये मोजा कितने का? ये 150। अच्छा, मोजा 150 रुपये का। 150 रुपये का। अच्छा, 150 रुपये। अच्छा, और ये कितने का? 100 रुपये। अच्छा, 100 रुपये का ना। अच्छा, और क्या है? ये स्वेटर कितने का है आपका? 800। स्वेटर 800। अच्छा, और ये मफलर? मफलर 400। तो 100 रुपये। टोपी 100 रुपये। ना ये तो बच्चे था। नहीं, वाह, ये अच्छा लग रहा भैया। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। बन जाइए ऋषि कपूर, बन जाते हैं। यहाँ बैठो, वहाँ बैठे। एक्चुअली हम स्वेटर पहनते नहीं हैं, लेकिन यह आपका हाथ का देख के ना मुझे लगा कि यह लेना चाहिए, नहीं तो मैं जैकेट वगैरह ही पहनता हूँ या तो शहर। जब भी आओगे अगले साल यही पहन के आना। अभी अगले साल पे गया ना मैं। अभी मैं कैसा लग रहा हूँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोटू, मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे ना, छोटू बोल दिया बहुत अच्छे। तो क्या करते हैं कि कुछ सामान इनके यहाँ से हम ले लेते हैं, जब आए हैं तो कुछ ले लेते हैं। अपने पिताजी के लिए मैं मफलर ले रहा हूँ और ये एक जुराब ले रहा हूँ और ये दस्ताने ले रहा हूँ, स्वेटर ले रहा हूँ, माताजी के लिए ये क्या है? जुराब माताजी के लिए जुराब ले रहा हूँ और 2-3 कैप लूँगा, 2-3 दस्ताने लूँगा, क्योंकि ये दोबारा शहरों में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको हर्षिल ही आना पड़ेगा तभी ये मिलेगा। सही है, शहर में मिलेगा? शहर में सिटी में मिलेगा ये सब सामान? साइड नहीं मिलेगा ना? नहीं मिलेगा।
ये अपने हाथ से मुझे एप्पल जितना मैंने सोचा नहीं था उससे बेहतरीन गांव ये हर्षिल निकला। अगर यहाँ आए तो रिक्वेस्ट है मेरा, इस गांव में जरूर आए। ये हमारी चाची हैं, सच बताऊं तो दिल की इतनी बड़ी है ना, शहर में नहीं मिलेगा। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इस शहर में नहीं मिलेगा। ये लोग इतने साफ दिल के होते हैं, बहुत साफ होते हैं, इनके अंदर इतना सा भी चीटिंग का कोई भाव नहीं है। इतना मेहनत करके ये लोग दिन रात मेहनत करके स्वेटर बनाती हैं, लेकिन क्या आप समझ सकते हैं 700 रुपये में मिल सकता है ये स्वेटर हाथ का बुदा हुआ? ये भेड़ का है ना चाचा? भेड़ का है। इसको बिनने में कितना दिन लगता होगा? इसको 3 दिन लगते हैं। 3 दिन लगता है, 3-4 दिन लगते हैं एक स्वेटर में ना? एक स्वेटर में ना बहुत है। इस स्वेटर में भी बुनने में 3 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं। और इसमें ऊन, जो हम भेड़ के ऊन होते हैं ना, बाल, उसका आपने देखा होगा यहाँ पे कटाई होता है मशीन से और बुनते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 3 दिन की मजदूरी भी आप जोड़ें तो क्या होगा? चाची एक बात बताइए, बताऊंगा अब निकलते हैं इनके गांव में, अब देखेंगे इनके कल्चर, रहन सहन, व्यवसाय, इनके घर, इनके बाग बगीचे। क्योंकि ये मेरी लाइफ में मैंने ऐसा गांव अब तक नहीं देखा जो गांव या बगोरी है। बगोरी गांव वास्तव में नज़दीक से देखें ना इतना सुंदर कि क्या कहा जाए। ये जो आपका गांव है बगोरी गांव जो भी मतलब एक कितना पुराना होगा ये? तो करीब 400-500 साल पुराना। 400-500 साल पुराना। तो यहाँ पे बर्फबारी कब से शुरू हो जाती है? बर्फबारी अक्टूबर से टॉप में अक्टूबर शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर नवंबर में नीचे आ जाती बर्फ। आप कब लोग, आप लोग यहाँ से कब जाते हैं? हम लोग लास्ट अक्टूबर में निकल जाते हैं। अक्टूबर में निकल जाते हैं। सारे लोग छोड़ देते होंगे गाँव? सारे लोग छोड़ देते हैं, कोई नहीं रहता इसमें? कोई नहीं, चौकीदार रहता है यहाँ। वो कैसे रहता है? वो अपनी पूरी व्यवस्था बनाता है। अच्छा, खाने का, पीने का, चलाने की लकड़ी का, कपड़े वगैरह वगैरह सब गाँव वाले देते हैं। और आप वापस कब आते हैं? हम लोग आते हैं मई शुरू में। यानी मई तक यहाँ बर्फ जमे रहते हैं? आधा मई तक बर्फ रहता है। अच्छा, मतलब पूरा बर्फ से भरा रहता है यहाँ पर। ये पूरा आधा जो पूरा एक हमारा खुली है ना, ये पूरा भर जाता है। एक कितने लोगों का गांव होगा? ये करीब 1500 लोगों का। इस गांव में 1500 लोग। घर कितने होंगे? घर करीब 400 घर है। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ कुछ नए भी घर बन रहे हैं यहाँ पे। बन रहे हैं, पुराना घर लोगों ने तोड़ के नया घर बना रहे हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट है ना, कोशिश करिए कि जो पुराना आपका घर है ना, इसी को संजोएं। अच्छा, यहाँ पे किस टाइप के लोग हैं? जनजाति हैं या यहाँ सब बोटिया जनजाति है? बोटिया जनजाति। अच्छा, सब अपना सत्य सनातन धर्म को मानते हैं। अच्छा, और बुद्धा को भी मानते हैं। अच्छा, अच्छा एक रिक्वेस्ट है हमारा जी। कोई आप गढ़वाली गाना थोड़ा सा सुनाएंगे क्या? गाना मैं सुनाऊं? हाँ, गढ़वाली कुछ भी, क्यों नहीं बहुत अच्छा लगेगा आपके मुझे यहाँ पे जो सांग चलता होगा इस जगह पे। हाँ, गढ़वाली गाना। गंगा जी गाइए रे, गंगा जी गाइए रे, तू छाना अपनी गंगा जी तू छाना मेरी अपनी माँ जी, गंगा जी तू छाना मेरी अपनी माँ जी। बहुत अच्छा लगा। गंगा जी तू छाना मेरी अपनी माँ जी। जय हो गंगे मैया। मुझे लगता है कि यहाँ से जाने का मन मेरा नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, हमें और भी जगह बुला रहा है और हमें जाना पड़ेगा। एक हिंदी गाना गाएगा? हाँ, हिंदी गाना। आप गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, दूर हिमालय से तू आई
गीत सुहाना गा गंगा तेरा पानी अमृत जर जर बहता जाए। बस्ती बस्ती नगरी नगरी मीलों तक लहरा गंगा तेरा पानी अमृत जर जर बहता जाए। अच्छा वो गाना हुस्न पहाड़ों का क्या आता है क्या आपको? एक आप सुनाइए ना अपना क्या इस, आप इस, तो इतना स्मार्ट लगता है ना, क्या बात कर रहे हो। अच्छा एक, आपको तो आना चाहिए तो फिर एक्चुअली गाना हमें आता नहीं। और क्या गाना हुए तो एक एंजॉय है, कोई गाना किसको आता है? लो सफर शुरू हो गया हम सफर मेरा तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया हम सफर मेरा तू हो गया। ये एक्चुअली क्या है ना, ये गाना मुझे इसलिए पसंद है ना क्योंकि अब मेरा पूरा जीवन टेबल पे न्योछावर है। आप ही हमारे हम सफर हैं, आप मेरे हम सफर हो। एक बार आ जाओ और हुस्न पहाड़ों का एक गाना हो जाए यहाँ से लीजिए। पहाड़ों का क्या कहना है कि बाहरों महीने यह मौसम जाड़ों का क्या कहना कि बाहरों महीने यह मौसम जाड़ों का। परदेसी किधर से आए आते ही आते दिल में समाए कैसे कहूँ बोल बेटा नहीं आता ये गाना दो लाइन सिखा कैसे कहूँ ऐसे मेरे दिल में समाए हुस्न पहाड़ों का क्या कहने कि बहरों महने यह मौसम जाड़ों का। आपसे बताना चाहेंगे ये तो सच्चाई है भाई साहब, जो मजा है ना, मुझे जाना है गंगोत्री। भाई साहब भी हमारे साथ ही हैं लेकिन क्या आपका जाने का दिल कर रहा है? सच बोलिएगा। नहीं कर रहा ना, ये गांव ऐसा है ना, मैं पता नहीं क्यों यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। आप शहर में पैसे कमा सकते हैं, आप घर बनवा सकते हैं, बिल्डिंग बनवा सकते हैं, गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, ये प्यार ये माहौल ये प्रकृति आप देखने के लिए हर सिल ही आना पड़ेगा, सही है ना? बिल्कुल सही बात है। क्या आपको कभी ऐसा फील होता है क्या कि मैं इतना बड़ा बिल्डिंग बनवा दूँ, गाड़ियाँ हो जाए? कभी नहीं, कभी नहीं ना, बिल्कुल नहीं। सुकून की जिंदगी, हाँ मन में एक सुकून होना चाहिए। अच्छा, वही जीवन है, वही जीवन है ना। अब बहुत ढेर सारे पैसे कमाया, बिल्डिंग बनाया, रात को नींद नहीं, दिन में चैन नहीं, सब बेकार है, सब बेकार है ना। हर घर में लोग इस प्रकार से कटाई करते हैं, ऊन यहाँ पे हर घर में देखने को मिल जा रहा है। लकड़ी की जगह अब ये टिन सेट लगा रहे हैं। पहले सब लकड़ी का रहा होगा, ये सब लकड़ी का रहा होगा, अभी टिन सेट क्यों लगा रहे हैं लोग? अच्छा, तो ये जब बर्फ गिरता है तो ये नीचे बर्फ टिक नहीं पाता नीचे, और लकड़ी वाला जो बना रहता है उसमें थोड़ा बर्फ रह जाता है, साफ आ जाता है, लकड़ी खराब हो जाती है। लकड़ी खराब से इसका अंदर लकड़ी होगा, बाहर से तीन साइड होगा। तो अच्छा अंदर से लकड़ी है, अंदर लकड़ी देख सकते हो आप? हाँ हाँ मैं देखा हूँ, ये पूरा लकड़ी का देखो, ये यहाँ पे नीचे पत्थर से पत्थर लकड़ी, ये लकड़ी है, लकड़ी है, ये तो पत्थर होगा, ये सब लकड़ी है, ये सब लकड़ी है, ये सब ये है ना, ये पत्थर है, ये सपोर्ट में लकड़ी है। अच्छा सपोर्ट के लिए लकड़ी, सपोर्ट नहीं, इसका जो है ना ये लकड़ी का अच्छा जोड़ा होगा इसमें, अच्छा जो इसका जोड़ इसका जोड़ इस होगा। अच्छा अच्छा, डिजाइन इस पे मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन लोग इस पे बनाए हुए हैं यहाँ पे। ये जो ये डिजाइन है ये अभी भी बन जाता है क्या? ये सब तो जो डिजाइन ये देख पा रहे हैं हम, हाँ बन सकता है, कार्य का नहीं होगा, जो पुराने थे, जो पुराने थे कलाकारी
पर्पज से यूज करते हैं? बिछाने के लिए करते हैं। अच्छा, गर्म ही रहता होगा ज्यादा? बहुत गर्म, बहुत गर्म, बहुत गर्म। बर्फ, जो बर्फबारी होती है उस पे भी अपना बिछा के आराम से सो जाए? तभी बिछाते हैं जब ज्यादा ठंड पड़ती है। बर्फ में बिछा दोगे पानी नहीं आएगा ऊपर से। अच्छा, कैसे आप लगाते हैं? ये हुक्का है, इसमें पानी डालते हैं। अच्छा, इसे कहते हैं साज। हाँ, टाइम। इसमें तमाकू डाल के। अच्छा, तमाकू डाल के। दीदी मेरा भी करना है एक। तमाकू डाल के इसमें कोयला डालते हैं लकड़ी का। अच्छा, और इसको यहाँ रखते हैं यूं करके, और इसको पीते हैं। अभी अभी आग नहीं होगा इसमें? अभी आग नहीं है। अच्छा, ऐसे करके। ये पूरा आवाज कर रहा है? पानी का आवाज है। पानी, ये इनका ऊपर वाला हिस्सा है, और यहाँ नीचे जो जानवर रहते हैं आपके पास वो सब रहते हैं? ये संभाल के बाद पेड़ों के लिए खाद हो जाएगा नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे सीढ़ी किस लिए दिया गया है? अच्छा, ऊपर चढ़ने के लिए। यहाँ से, यहाँ से ये इसमें हम देख पा रहे हैं धुआं दे रहा है। चाचा जी नमस्ते। धूप है, धूप है। अच्छा, इससे क्या होता है? खुशबू आता है ना, जैसे अगरबत्ती जलाते हैं आप सुबह सुबह। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है धूप। अच्छा, सूर्यदेव आता है ना? अच्छा, सूर्यदेव। सूर्यदेव। अच्छा अच्छा अच्छा, इसे बिना नहाए भी जला सकते हैं क्या? हाँ, हाथ में धोके। हाथ में धोके। अच्छा, घर पे ऐसे बालकनी बनाते हैं, और हर घर के नीचे मैं देख रहा हूँ कुछ इस टाइप का बना हुआ है, और सीढ़ी भी नीचे से दिया गया ऊपर चढ़ने के लिए। हम निकल रहे हैं हरसिल से गंगोत्री के लिए, और आज रात का भी हमारा स्टे हरसिल में है। बहुत बहुत धन्यवाद छोटू को मेरा। फाइनली हम गंगा स्नान कर चुके हैं।